हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं सुपर मस्ती खजाना चैनल से दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। यार वो तो मनी मिराज की कॉमेडी जो है उस पर रुकती ही नहीं है। तो न्यू मनी मिराज टिकटॉक वीडियो और मनी मिराज का टिकटॉक धमाका। तो चलिए यार देखते हैं कैसे वीडियो होने वाली है, फिर उसके बारे में बात करेंगे कैसी वीडियो और कैसे रील्स उसमें इंक्लूड की गई हैं। क्योंकि यार मनी मिराज जी की जो रील्स हैं वो इतनी फनी होती हैं कि इंसान हंसते हंसते ना लोटपोट हो जाता है, कि पेट में दर्द होने लगता है। तो देखते हैं यार कैसी वीडियो होने वाली है। वैसे यार ये 1 ईयर पुरानी वीडियो है, तो यार देखते हैं कैसी कॉमेडी उन्होंने इन स्टार्टिंग की थी। मैं वही देखना चाह रही थी यार कि स्टार्टिंग में मतलब कैसी कॉमेडी उनकी रही है। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी के अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। ये बताओ कल बिना टिकट दिल्ली से आए हो ना, लंदन जाएंगे भाई। तब ससुर जी क्या सोचे हैं? इतना आसानी से हम अपना बेटी का हाथ आपका हाथ में दे देंगे का? पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा पूछिए। तो बताइए कि अकल बड़ी या भैंस? आप हमको पागल समझे है का? आप डेट ऑफ बर्थ तो बताइबे नहीं किए। मतलब ये अभी तक हम भी नहीं समझ पाए थे कि कौन बड़ा है। अबे मेरे को क्या देख रहा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। ईयरफोन निकाल ली उनसे बिना पूछे। हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वैसे उसकी फ्रेंड भी थी, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। नंबर दिया तूने मेरा, तो पता है हमें लड़कियों से दूर रहना चाहिए। भैया पूरा भाई रामलाल का घर कहाँ है? रामलाल का घर? हाँ भाई आप ऐसे करो, मुझे नहीं पता, रामलाल को ही पूछ लो। बड़े हाँ ABCD सुना भाई, ABCDEHI। और जी अब कहाँ है? वो तो अपन किस्मत में नहीं है पगला। और भाई किसको बुला रहा है? कोरोना वायरस को। जैसे कोरोना वायरस थमेगा ना, हम सीधा चाइना जाएंगे। काहे के लिए? उन लोगों को ही बताने कि भैया कीड़ा पिल्लू अमगादर चमगादर नहीं खाओ, भात दाल सब्जी खाओ। ओ भाई साहब मुंह की चड्डी है? ये मुंह की चड्डी क्या होती है? अरे वो जो मुंह पे लगाते हैं मास्क। अच्छा 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 मास्क बोलते हैं भैया इसको, मास्क मुंह की चड्डी नहीं। अच्छा 20 रुपया दो। बेटा बताओ सुबह सुबह सबसे पहले क्या निकलता है? सूरज निकलता है सबसे पहले, सूरज। नमस्कार जी, मेरे पिताजी आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं। बोलिए पिताजी। बोलो अब। अब अबे तेरे 10 दिन कब के पूरे हो गए, मेरे 60,000 रुपए कब देगा? आप तेरा हिसाब चुट्टा ही कर देता हूँ। ये कितने? 60। ये कितने? 1,000। कितने हो गए? 60,000 हो गए ना पूरे। चल निकल निकल। नाइस लुकिंग। आमिर क्या क्या आई है इंग्लिश में? पांक। वैसे जलता तो है मुझसे ये। यार मैं बता दूंगा ये क्या क्या गया तो यार लड़ाई हो जाएगी यार। ना ना तू बता यार कैसी बातें कर रही है? देख यार मेरा नाम मत लिए। सही है। देख नाइस मतलब फैमिली। अच्छा। और लुकिंग मतलब सुअरों से भरी पड़ी है, तुम्हारी फैमिली सुअरों से भरी पड़ी है। अच्छा तो आज देख इसका कैसा बसरा मिटानता हूँ। मेरा नाम मत लिए भैया।
बेटा खड़ा हो, कल स्कूल क्यों नहीं आया? सर मैं कल सपने में अमेरिका चला गया था। तू क्यों नहीं आया? सर मैं इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था ना। और तू क्यों नहीं आया? मैं सर इसका बैग लेके गया था। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कोरोना के बाद एक और वायरस आ चुका है, मुंह पेल दसरऊ। एक और वायरस आ चुका है जिसका नाम है हंटा वायरस। हाय बेबी कैसे है? एकदम मस्त। वो कौन है रे? ए मोर दोस्त। हाय। अबे कुछ बोलना। आई लव यू। अब हमारे यहाँ ना शादियों में तीन तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। पहले तो ये डीजे सेशन, और दूसरे ऐसे लोग होते हैं और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता ही नहीं चलता कि ये शादी में आए हैं शमशान घाट के तांत्रिक के पास। तो पलन डीजे नहीं देखे। छोटी हाइट वाली लड़कियों को गर्मी बहुत कम लगती है क्योंकि वो सूरज से बहुत दूर होती है। अबे हट बे भाई साहब। भाई साहब बोले? भाई साहब ने भाई साहब। भाई साहब अच्छा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता मैं? अरे यार इन लड़कियों पर से ना मेरा भरोसा उठ गया है। एक नंबर की झूठी होती है मक्कार कहीं की। क्यों भाई क्या हो गया? जो एक लड़की क्लास में रोई जा रही थी, मेरा 1000 रुपया खो गया, मेरा 1000 रुपया खो गया। मैंने 4 बार गिना, 800 ही था। झूठी मक्कार। किरा हेलमेट कहाँ है तेरा? साहब घर पे रह गया साहब। 500 का चालान कटेगा तेरा, है ना? जा आगे जाके उससे कटवा लेना, चल जा। ठीक है साहब। अयो सुन रहे, 500 रुपए दे। कितना चालू है बे? ले चल खुश रहे। साहब साहब वो साहब आपके कौन लगते? मेरा तो कोई भी नहीं लगता है। तो वो 500 रुपए क्यों लेके गए? पकड़ उसको। अबे लकड़ी से झाड़ू कैसे हो गई? ये पापा का फोन है, पापा का फोन है। हेलो। हाँ पापा। हाँ पापा आ रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ। पी पी पी। ए साइड बटो, साइड बटो, साइड बटो जरा। ए देना है, देना। कितनी मस्त एक्टिंग करते हैं यार दोस्त में। हेलो। तेरी बीवी भाग गई? ओए नहीं, अरे रुक ले भाई, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं वो भाग नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं। अबे क्या हो गया? मेरी बीवी भाग गई। लेकिन तेरी अभी तक शादी कहाँ हुई है? ये बात तो सही बोला तू, रॉन्ग नंबर है। पांक रख साला, रख। अपनी डीपी की जगह हीरोइन की डीपी लगाने वाली लड़कियों, तुम्हें अपनी शक्ल में भरोसा नहीं है क्या? बंदरिया कहीं की। रेलवे स्टेशन पर लिखा था कि किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीज ना ले। मैंने टिकट ही ना लिया। बस फिर क्या, मैंने टिकट ही नहीं लिया। अभी अभी पापा थाने के छुड़वा के लाए। लोगों ने पीने से मुझको है रोका, उन लोगों पे थोड़ा सनका हूँ। मैं गुटखा खिला दूंगा, मऊहा पिला दूंगा, भूख लगी तो खाना खिला दूंगा, गाली मत देना, छोटे चिकलाम खिला दूंगा। बहुत था, बहुत था। मतलब ऐसे कोई पैर में बांध रहा है, पता नहीं चलेगा। लड़के तोर नाम का हुआ है? छोटू सर। अच्छा मोटू? मोटू ना है सर, छोटू। अच्छा लोटू? लोटू ना है सर, छोटू। छा छा छक्का वाला छा। खाने को दे रहा। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखे ये बहुत फेमस है यार। कपड़े खरीदने को साला फेंक दिया खाली मोली। मेरे भी पापा ने 80 लाख रुपए दिए हैं कि ले बेटे चड्डी लिया।
और भैया लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350 बेइज्जती मिला के। और कितनी देर बाहर निकलते हो? 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। और डंडों के साथ और भी कुछ खाने को मिलता है? गालियाँ। हम ऊपर वाले से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। थैंक यू। कानून आप उनका काट डालेगा। सबसे बेस्ट है। एक से शादी करूंगा तो वो मुझसे लड़ेगी ना, और दो से शादी करूंगा तो वो दोनों आपस में लड़ेंगी। पता है वो भी किसके लिए? मेरे लिए। अबे इतनी पी क्यों थी जो अपना होश ही खो बैठा भाई? मजबूरी में। क्या मजबूरी थी? ढक्कन खो गया। बोतल का ढक्कन खो गया था भाई। मेरे महबूब कयामत होगी। बापरू बाप, बापरू बाप। आज सुबह तेरी गलियों में मुहब्बत होगी। तेरी नजरे तो गिला करती है। डीजे बिका। कोई ट्राई मत करना, नहीं तो इंजन बदलवाना पड़ सकता है। अबे उठ, बता तिजोरी कहाँ है? और साले तेरे घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा है? सब कहाँ गए? सारा पैसा धन दौलत सब खेत पे ले गए। मैं घर पे अकेला हूँ। और हाँ, जाते वक्त साबुन से हाथ धो लेना। क्यों बे? क्योंकि मुझे कोरोना के वजह से यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ फंस गया हूँ। लॉकडाउन लागू है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। उसके घर वालों ने पकड़ लिया है। उसका बाप नियम का पालन करते हुए मुंह पे मास्क लगा के 1 मीटर की दूरी से मारता है। अभी 20 मिनट हुआ है तो हाथ धोने के लिए गया है। घर में रहने नहीं दे रहा और पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही, वो अलग मारती है। तो आप सभी प्रेमी भाइयों से निवेदन है, घर पर रहे, गर्लफ्रेंड से मिलने की कोशिश ना करें। आप सोच रहे होंगे ये कौन है? ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ मेरी मदद करने आया था। इसकी भी बराबर कुटाई हो रही है। सभी कुछ बोलना। किसी भी प्रेमी दोस्त की मदद ना करें। ओ भाई। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ? वाह मोदी जी वाह, बिना डिलीवरी के थाली भिजवा दी, बिना दिवाली के दिए जलवा दिए। अब एक काम और कर दो, बिना ब्याह के एक बीवी और दिलवा दो। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सिडी नहीं करा कर दिया भाई, गैस सिलेंडर कह दो। सब्सिडी करा है भाई। तो यार ये थी वीडियो एंड व्हाट अमेजिंग वीडियो यार। इसमें मुझे कुछ रील्स ऐसी थी जो बहुत ही प्यारी लगी है, मतलब बहुत ही जबरदस्त थी, जो बहुत ही जबरदस्त लगी हैं। जैसे कि एक बिना डिलीवरी के थाली भिजवा दिए,
बिना दिवाली के दिए जलवा दिए, अब बिना ब्याह के एक बीवी भी दिलवा दो यार, वो बहुत अमेजिंग थी। और दूसरी रील की बात करें, इसमें दूसरी रील जो थी जो एकदम सच से आया और तुरंत ले, वो हाथ में कुछ खाने के लिए लिए खड़ा था बेचारा, उसका वो लेके भाग गया यार, वो भी बहुत अमेजिंग थी, बहुत ही प्यारी रील्स थी। आप लोगों को इसमें कौन सी पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, अपने फैमिली फ्रेंड्स को हंसाइए और शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।